हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नमस्ते कनाडा। मैं हूं नीरज और आज की जो वीडियो है वो वर्ल्ड अफेयर्स यूट्यूब चैनल से है और इसका टाइटल है रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सपोर्ट्स बाय इंडिया, एप्पल ने भारत में बने 10,000 करोड़ रुपए के फ़ोन किए एक्सपोर्ट। वीडियो के टाइटल से ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है एंड इट्स अ स्टेप टूवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मेक इन इंडिया। तो पहले ये वीडियो देखेंगे और वीडियो के एंड में अपने विचार इसके बारे में शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली देखा गया एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है मेक इन इंडिया के लिए। एप्पल ने भारत में बने हुए जो आईफोन्स हैं ये टोटल 10,000 करोड़ के ऐसे जो फ़ोन्स हैं ये करे हैं एक्सपोर्ट दुनिया भर में। ये अपने आप में पहली बार हम देख रहे हैं इतिहास में जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, क्योंकि मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से आप अगर देखें तो एप्पल इज़ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, और इसलिए रिसेंटली ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि एप्पल की बिग बाइट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एट 10,000 करोड़ रुपीस। और यहाँ पे आपको समझना होगा, अगेन इससे बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स निकलते हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि इंडिया में असेंबल्ड एप्पल, मैन्युफैक्चर्ड तो नहीं कहूंगा, कंप्लीटली मेड इन इंडिया नहीं है, ज़्यादातर आपको ऐसे फोन्स पर ये दिखेगा असेंबल्ड इन इंडिया, जो कोई ज़्यादा सैड होने वाली बात नहीं है। जो चाइना से भी आ रहे हैं वहाँ पर भी असेंबल्ड इन चाइना ही लिखते हैं ये लोग। तो जो असेंबल्ड इन इंडिया फ़ोन है ये दुनिया भर में आज के समय एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, चाहे यूरोप हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो। इंडिया एज ए ब्रांड उभर रहा है दुनिया में एज ए मैन्युफैक्चरिंग पावर, क्योंकि जब आप दुनिया की हाईएस्ट मार्केट कैप वाली कंपनी के प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर करते हो, ना सिर्फ अपनी जनता के लिए दुनिया के लिए भी, तो ऑब्वियसली दुनिया में आपका फुटप्रिंट बढ़ने वाला है। मेक इन इंडिया एज ए ब्रांड लगातार ग्रो होता रहेगा और अभी बस शुरुआत है। ये याद रखिएगा जो ये 10,000 करोड़ है ये इस फाइनेंशियल ईयर के थे। जब मार्च खत्म हो जाएगा, अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, तब कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 10,000 करोड़ रुपये 15 से लेकर 20,000 करोड़ या फिर उससे ज़रा भी हो सकते हैं। एप्पल के बहुत ज़रा बड़े प्लान्स हैं इंडिया के रिगार्डिंग। नाउ इससे कितनी जॉब्स बन रही हैं, इस सब की वजह से ताइवान के साथ हमारे रिलेशंस लगातार स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहे हैं ये डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। भारतीय इकोनॉमी में ना एक स्लैक सीजन आता है, आप कह लीजिए एक ऐसा सीजन जहाँ पे ग्रोथ उतनी नहीं होती, सब कुछ थोड़ा सा सुस्त सा चलता है, इसको हम कहते हैं स्लैक सीजन। आपको ये बताना है कि हिस्टोरिकली इंडिया का स्लैक सीजन, इंडियन इकोनॉमी का स्लैक सीजन कब आता है। ऑप्शन ए मार्च अप्रैल में, ऑप्शन बी सितंबर दिसंबर में, ऑप्शन सी जनवरी जून में, या फिर ऑप्शन डी फरवरी अप्रैल में। कमेंट सेक्शन में सब लोग उत्तर करो, सही आंसर आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 10,000 करोड़ रुपीज अपने आप में बड़ी फिगर है, मगर क्या एप्पल सिर्फ इतना ही मैन्युफैक्चर करता है इंडिया में, इतना ही वर्थ का, तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे सिर्फ एक्सपोर्ट्स की कि इंडिया में बनाकर बाहर के देशों को कितना बेचा। अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू की तो इस फाइनेंशियल ईयर में एप्पल का जो टोटल रेवेन्यू है डेफिनेटली 30,000 करोड़ से भी ऊपर जाने वाला है। मतलब कि देखो इसका, अब यहाँ पे आप सोचेंगे हम क्यों खुशियाँ बना रहे हैं, कंपनी बेगानी, वो दूर कहीं जाकर यूएसए में कंपनी बसी हुई है, कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स है, ऑलमोस्ट जितनी इंडियन इकोनॉमी है उतनी वैल्यूएशन एप्पल की है, व्हाई आर वी हैप्पी अबाउट दिस। देखिए खुश होने की बात यहाँ पर कुछ हद तक ये है कि पहले क्या होता था कि इंडिया में कोई एप्पल का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होता था। हम लोगों को कुछ अगर एप्पल का परचेज करना था तो हम सीधा बाहर अपना रुपी भेजते थे और उसके बाद एप्पल के प्रोडक्ट्स इंडिया में हम परचेज कर पाते थे। अब क्या हो रहा है कि इंडिया में ही जो 70 से लेकर 80% की डिमांड है ना एप्पल के प्रोडक्ट्स की, कि एप्पल का फ़ोन हो गया, कोई और चीज़ हो गई, तो ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करके इंडियंस को प्रोवाइड की जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि इससे हमारी जो करेंसी है ये बाहर नहीं जा रही, और इससे देखो जॉब्स भी बहुत सारी बन रही हैं, क्योंकि ये अज्यूम मत कर लेना कि इंडिया में असेंबली तो यही होती होगी, दुनिया भर से ये पार्ट्स ले आते होंगे, इंडिया में बस फिट करने हैं। नहीं, इंडिया में बहुत कुछ ये बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो से भी मैन्युफैक्चर करते हैं। फॉर एग्जांपल जो एक कैमरा बनाते हैं, उसके अलावा जो यहाँ पर ग्लास स्क्रीन होती है, बहुत से कंपोनेंट्स हैं आईफोन के जो कम्प्लीटली आज के समय इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, और इससे जॉब्स कितनी बढ़ रही है इंडिया में। देखिए एप्पल के जो वीपी है, वाइस प्रेसिडेंट, इन्होंने यहाँ पर ये क्लेम किया था कि इससे इंडिया में क्रिएट की जा रही हैं 10 लाख नौकरियाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्योंकि हो यहाँ पर क्या रहा है, एप्पल खुद तो मैन्युफैक्चर करता नहीं है इंडिया में, एप्पल काम लेता है वेंडर से,
एप्पल बेसिकली क्या करता है, प्राइमरली इनकी ताइवान में मेजर कंपनीज हैं, उनको ये लोग कहते हैं कि आप लोग वियतनाम में, इंडिया में, चाइना में जाओ और जगह जाओ, वहाँ पे मैन्युफैक्चर करो ये फोन्स, ये हमारी ब्रांडिंग लगाओ, ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, इनको मीट करो एंड एक्सपोर्ट देम, सेल देम टू द कंज्यूमर्स, खुद भी कमाओ हमको भी खिलाओ। और एप्पल के जो दो बड़े वेंडर हैं इनके बारे में आपने सुना होगा, फॉक्सकॉन, विस्त्रॉन। नाउ फॉक्सकॉन मैं आपको ये बता दूँ, ये ताइवान की बहुत बड़ी कंपनी है। तो जैसे जैसे एप्पल का विस्तार हो रहा है इंडिया में, फॉक्सकॉन का भी विस्तार हो रहा है इंडिया में, तो इंडिया में हम क्या देख रहे हैं कि फॉक्सकॉन लगातार अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है और लोगों को नौकरी दे रहा है। और अभी तो ताइवान की एक और बहुत बड़ी कंपनी है पेगाट्रॉन, ये भी इंडिया में कह रहे हैं कि $1 बिलियन से भी ऊपर का अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। और ये सारा पैसा कहाँ पे जाएगा, बिल्डिंग्स बनाएंगे इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, क्योंकि ताइवान की बहुत सारी कंपनीज को ये समझ आ चुका है, दुनिया भर में एक्चुअली में जो भी एप्पल के वेंडर्स हैं उनको समझ में आ चुका है कि इंडिया बनने वाला है ग्लोबल सप्लाई चेन का बहुत ही बड़ा हिस्सा। मतलब कि इन द फ्यूचर अगर बड़े स्केल पर आईफोन बनाने हैं, आईपैड बनाना है, लैपटॉप बनाने हैं, एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, तो उस पूरी सप्लाई चेन में बिना इंडिया के काम नहीं होगा। और जी हाँ, मैंने यहाँ पर आईपैड भी बोला है। एप्पल ने एक्चुअली PLI स्कीम के अंडर ये कहा सरकार को कि जैसे मोबाइल फोन के लिए आपने PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करी थी, वैसे ही आईपैड और लैपटॉप के लिए भी कर दो। ये लोग चाहते हैं कि ये जो आइटम्स हैं ये भी बहुत ही बड़े स्केल पर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें, क्योंकि PLI स्कीम से होता क्या है कि एप्पल जितना मैन्युफैक्चर करेगा उतने इनको इंसेंटिव मिलेंगे, उतनी सरकार इनको छूट देगी टैक्स में और तरीके से इनको प्रॉफिट दिया जाएगा। तो सरकार ने एप्पल को सिंपली ये कहा है, आप बढ़ चढ़ के भारत में इन्वेस्ट करो, भारत में मैन्युफैक्चर करो, भारत की जो ह्यूज मार्केट है वहाँ पे अपना सामान बेचो, और फिर इवेंचुअली जो सामान आप इंडिया में बना रहे हो ये इंडिया से बाहर भी जाएगा, बाकी देश भी इसको परचेज करेंगे। ये ऑफकोर्स काउंट होगा इंडिया के एक्सपोर्ट्स में। आपको बता होगा कि इस साल इंडिया मान के चल रहा है कि पूरे साल में हमारे जो गुड्स का एक्सपोर्ट है ये $400 बिलियन जाने वाला है, जिनमें जो ये फ़ोन है, जो एप्पल के फ़ोन्स हैं, ये भी छोटा सा रोल प्ले करेंगे। छोटा सा रोल होगा बट डेफिनेटली एक रोल इनका भी यहाँ पे आपको दिखेगा। और हाँ, ये भी याद रखिएगा, जब एक कंट्री एक देश में जाकर मैन्युफैक्चरिंग करती है और उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो फिर वो लोग और वेंचर में भी कूदते हैं। फॉर एग्जांपल फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है, ये लोग एप्पल के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं आईफोन्स, इन्होंने इंडिया में एंट्री करी, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, देखा कि ठीक है यहाँ पर भी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जरे चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं आईफोन्स, यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, सेम अपना जो एक्सपीरियंस है इंडिया का वो यूज़ करेंगे सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, चिप्स बनाने के लिए, उसके लिए ये पार्टनर कर रहे हैं इंडियन कंपनी वेदांता के साथ। ये जो सेमीकंडक्टर वाली बात अब की जा रही है ये शायद पॉसिबल ना होती अगर फॉक्सकॉन ने इससे पहले इंडिया में ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस ना गेन किया होता। तो ये देखिए अभी शुरुआत है, इवेंचुअली इंडिया एक बहुत ही अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन के उभरेगा दुनिया भर की मेजर कंपनीज के लिए, और इस सब से ऑब्वियसली इंडिया में जॉब्स बढ़ेंगी, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेगी। मगर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट इससे ये होगा कि इंडिया को दुनिया में रिप्लेस कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपको याद होगा बहुत ही लंबे समय तक चाइना जब दुनिया की अकेली मेजर वर्ल्ड फैक्ट्री बन गया था, तब एक बार को कंट्रीज चाइना के अगेंस्ट कुछ बोलने से पहले सोचती थी कि सब कुछ तो ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, हमको इनके साथ रिलेशंस बना के रखने होंगे, नहीं तो अचानक से जो पूरी सप्लाई है इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स की ये रुक जाएगी। अब क्या है कि इंडिया धीरे धीरे चाइना को रिप्लेस कर रहा है, और याद रखिएगा जैसे ही इंडिया ने ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बड़ा स्टेक पकड़ लिया, अभी हम वहाँ पर पहुँचे नहीं है, 3-4 साल में पहुँच जाएंगे, फिर आप देखेंगे भारत को जो ओवरऑल रिस्पेक्ट दी जाएगी वर्ल्ड स्टेज पर वो भी और ही लेवल की होगी। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि यूरोप, US बहुत ही अलग तरीके से बात करते हैं इंडिया से, तो अभी बस ये शुरुआत है, धीरे धीरे आपको इसमें और प्रोग्रेस दिखेगी एंड इट विल बेनिफिट इंडिया इकोनॉमिकली एंड जियोपॉलिटिकली एज वेल। नाउ वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ, कि स्लैक सीजन जो है भारतीय इकोनॉमी का ये कब आता है, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी जनवरी से जून तक, क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती है, ओवरऑल पानी की कमी महसूस की जाती है। इंडिया आज भी एग्रीकल्चर पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, इंडिया की बहुत बड़ी आबादी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर इनकम, तो सिंस वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो रूरल डिमांड कम हो जाती है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो ये जनवरी से जून का टाइम है ये होता है थोड़ा सा स्लैक सीजन। इस वक्त आप अगर देखें तो हम इंडियन इकोनॉमी के स्लैक सीजन में हैं। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC, बैंक, सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में। फॉर एग्जांपल आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, क्लिक ऑन बैंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस,
जो अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज, प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे, मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं फॉर एग्जांपल 390 rupees पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यूज़ करिए कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग, एंड फॉर जस्ट 351 rupees पर मंथ आप 2 साल तक प्रिपरेशन कर सकते हैं बैंक एग्जाम्स की विद अनअकैडमीज आइकॉनिक कोर्स। सो यूज अ कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो वीडियो आपने देखा, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये कि 10,000 crore के जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं आईफोन्स खासतौर पे, वो इंडिया से मैन्युफैक्चर होके एक्सपोर्ट किए गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है क्योंकि एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाना, चाहे वो अभी असेंबल ही कर रहे हों, उसमें भी जो है बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है लगते हैं। और इन्होंने, जैसे प्रशांत धवन जी ने बताया, कि कुछ कंपोनेंट्स तो इंडिया में ही बनते हैं जैसे स्क्रीन हो गई या और भी कई कंपोनेंट्स, लेकिन बहुत से कंपोनेंट्स अभी भी बाहर बनते होंगे। लेकिन अगर एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसके थ्रू जो एप्पल को असेंबली लाइन, प्रोडक्शन लाइन जो बना के देने में फैसिलिटेट किया गया है, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि उससे पहले तो एक इमीडिएटली जॉब्स जो हैं जो क्रिएट हुई हैं वो तो हुई हैं, और साथ में इकोसिस्टम बनने के लिए भी जो एक आगे रास्ता खुल गया है। अब इकोसिस्टम की बात करें तो एक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने में बहुत सारी जो है चीज़ें लगती हैं। आई एम बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, ये मैं बात कर सकता हूँ कि इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, एंटीनाज हैं। अब जैसे एंटीनाज 3G 4G 5G जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, तो उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू ये प्रोडक्शन इनकी करनी इन हाउस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि जैसे जैसे इंडिया 5G इंफ्रास्ट्रक्चर अपना क्रिएट करेगा, और उसके अगर वायरलेस एंटीना, मोबाइल एंटीनाज और बाकी सारे कंपोनेंट्स जो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे, तो 5G डिवाइसेस की जो कॉस्ट है वो होपफुली जो एप्पल के कंपटीटर्स हैं या और भी कंपनीज हैं वो उसको रिड्यूस कर सकेंगे, और 5G इंटरनेट एक्सेस जो है इसके थ्रू लोगों को मिल सकेगी। ये इकोसिस्टम बनने की वजह से होगा, और इसमें एक सिर्फ एंटीनाज ही नहीं है और बाकी सारे प्रोसेसर्स हो गए, फिर इसके अंदर जो चिप्स लगती हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए, वो सारी जो है वो इंडिया में अगर प्रोड्यूस होंगी तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि आईफोन की कॉस्ट तो एप्पल तय करेगा, वो तो उतने में ही मिलेगा जितना एप्पल डिसाइड करेगा, लेकिन कम्पिटिटिव जो मार्केट्स हैं जो इंडिया की दूसरी इकोनॉमिक क्लास को केटर करती हैं, तो वहाँ पे अगर लो कॉस्ट चिप्स अवेलेबल हो जाएं जो वीडियो प्रोसेसिंग करें, आपकी ग्राफिकल प्रोसेसिंग करें, और फिर आपके जो बाकी सारी फंक्शनैलिटी जो भी आप फ़ोन में चाहते हैं, 4G 3G सारे इंटरनेट फैसिलिटी आपको दे, डेटा रेट्स जो हैं वो फास्ट हों, और डेटा रेट्स फास्ट, एक तो आप एंटीना के थ्रू फास्टर डेटा रेट्स ले सकते हैं, दूसरा मोबाइल के अंदर भी जो रैम है और मेमोरी में डेटा ट्रांसफ़र जो अगर फास्टर स्पीड पे होंगे तो लैग्स कम आएंगे, लोग फ़ोन का यूज़ जो है वो इंटरनेट और गेम प्लेस और बाकी चीज़ों के लिए जो है वो बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो ये चीज़ें तभी पॉसिबल है अगर एक इकोसिस्टम प्रॉपर बना हो जिसमें सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो मोस्टली इंडिया में ही प्रोड्यूस होते हों, और फिर वो बाकी जो कंपनीज़ हैं उनको शिप किए जाते हों अपने फ़ोन्स बनाने के लिए या कुछ भी और चीज़ें बनाने के लिए। तो ये एक फ़र्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, एंड इसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इससे बाकी सारे वेंडर्स को भी हौसला मिलता है कि वो इंडिया में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाएं, और इंडिया के स्किल्ड लेबर का यूज़ करके, टैलेंट का यूज़ करके वो अपने कंपोनेंट्स जो हैं वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें, और साथ में साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करें। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी सिस्टम ऑन चिप्स का ज़माना है। सिस्टम ऑन चिप्स मींस कि एक आपने जैसे एप्पल का अभी M1 Pro रिलीज़ हुआ है, तो M1 Pro का मेन बेनिफिट यही है कि उन्होंने जो डाटा ट्रांसफर स्पीड्स हैं बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स वो रिड्यूस कर दिए हैं, और एक ही चिप में आपके पास प्रोसेसिंग यूनिट भी है, डाटा ट्रांसफर रजिस्टर्स भी हैं, और बाकी सारी चीज़ें भी एक ही यूनिट में हैं, रैम भी इनबिल्ट है। तो उसकी वजह से क्या है कि सिस्टम बहुत एफिशिएंट हो जाता है, और आप बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो प्रोसेसिंग कर पाते हैं, शेड्यूलिंग और सब चीज़ें जो है वो प्रोग्राम्स बहुत अच्छे से रन करते हैं। तो इसका जो कंज्यूमर को इफेक्ट होगा वो ये होगा कि ऐप्स जो है वो बहुत स्मूथली चलेंगी, आपकी चीज़ें बहुत फास्ट चलेंगी, वीडियो इंटरप्शंस, वीडियो जैसे पफरिंग करते हैं अब जैसे 5G एंटीनाज और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होगा, उससे जो आपकी स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी बेटर होगी, क्योंकि आपके पास बेटर बैंडविड्थ के चैनल और जिसके थ्रू आप फास्टर कम्युनिकेट कर सकते हैं वो चैनल्स अवेलेबल होंगे। तो ये सारा इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि मोबाइल कम्युनिकेशंस इज़ टूडेज़ प्रायोरिटी। हर बंदे के पास मोबाइल है और वो उस पर बात
करना तो एक सिंपल फंक्शन रह गया, उसके बियॉन्ड भी दुनिया के साथ कनेक्ट करने के लिए भी वो उस मोबाइल फ़ोन का यूज़ करता करता है। हम भी आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी जो है वो मोबाइल फ़ोन पे ही शायद हमें देखते होंगे। उसका रीज़न ये है कि एक तो चीपर मोबाइल प्लान्स आजकल अवेलेबल हैं, और सेकंड जो है वो डाटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो काफ़ी बढ़िया है 4G के ज़माने में, 5G में इससे भी बेटर हो जाएगा। और उससे पहले ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में बनना ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसके साथ साथ जो एक तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बन के जॉब्स क्रिएट होना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा, इंडिया के बाकी कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशंस इंप्रूव होंगे वो एक चेरी ऑन द टॉप है, मतलब केक के ऊपर चेरी का काम करती है कि ताइवान के साथ भी हमारे रिलेशंस जो हैं वो बेटर हो रहे हैं। अगर वो अपनी कंपनीज़ को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करते हैं और इंडियन गवर्नमेंट ऐसे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाता है कि उन कंपनीज़ को जो है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज किया जाए, तो इससे ताइवान के साथ रिलेशंस बेटर होंगे। फिर बाकी कंट्रीज़ जहाँ पे इंडिया से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हैं वो जाएंगी उनके साथ भी जो है रिलेशंस वो बेटर होंगे। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन बोथ फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर अदर कंपनीज विच आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। तो ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन है और वी शुड ऑल अप्रिशिएट दीज पॉलिसीज जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। और ये जो खबर सुन के काफ़ी अच्छा लगा मुझे, उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा होगा और मेरे विचार सुन के आपको कुछ एक अलग परस्पेक्टिव ज़रूर मिला होगा। तो अगर मिला है तो प्लीज़ इसको थम्सअप ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रशांत धवन जी का थैंक्स करता हूँ जिन्होंने ये वीडियो बनाई और हमारे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई, हमें सुन के काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।